हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। और आज से हमने बीएससी सेकेंड ईयर का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है और इसमें जो मैंने बुक स्टार्ट किया हुआ है वो है लीनियर अल्जब्रा एंड मेट्रैक्सियस। और इस वीडियो के अंदर हम मैट्रिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे तो मैट्रिक्स आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, बट अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैट्रिक्स की फर्स्ट वीडियो है तो मुझे पूरा डिटेल में डिस्कस करना होगा ताकि आगे के जो भी टॉपिक आएँ उसमें आपको कोई डाउट ना हो, हर एक चीज़ों को आप अच्छे तरीके से समझते रहें। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब भी आप कर लीजिएगा, और उसके साथ साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि डेली वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आपको कंटिन्यूअस मिलती रहे। क्योंकि मैं इस चैनल पर जो है कि बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की जो मैथमेटिक्स के सिलेबस हैं उसे मैं कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करूंगा, और धीरे धीरे सारी चीज़ें कंप्लीट भी हो रही हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे अब हम अपने टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। देखिए ये मैट्रिक्स क्या होता है कि ये रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर या हम कहें कि फंक्शन का एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंजमेंट है। जैसे अगर हम कुछ नंबर यहाँ पर लेते हैं, मान लीजिए कि हमने नंबर लिया 2 3 0 -5 7 और एक और ले लीजिए √3। ओके, मैंने यहाँ पे 6 रियल नंबर्स लिया हुआ है। ओके, तो आप इन नंबर्स को रेक्टेंगुलर फॉर्म में किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो ज़रा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आप चाहें तो इसे कुछ इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 2 3 0 -5 7 और √3, कुछ इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। या आप चाहें तो कुछ ऐसे अरेंज कर सकते हैं, 2 3 0 -5 7 √3, कुछ ऐसे अरेंज कर सकते हैं। आपके पास एक और तरीका हो सकता है, या तो आप ऐसे अरेंज कर दीजिए। ओके, देखिए ये सारी चीज़ें आपको पता है। ओके, ये फर्स्ट वीडियो है इसलिए मुझे इतना सारा डिस्कस करना पड़ रहा, और ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट भी हैं, जाननी भी चाहिए आपको। ओके, तो या तो आप ऐसे अरेंज कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं। ओके, 2 3 0 -5 7 √3, आप ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये 4 तरीका है अरेंज करने का। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि मैंने कुछ इस तरह का ये ब्रैकेट लिया हुआ है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यही ब्रैकेट यूज होगा। आप चाहें तो जो है कि इस तरह के भी ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, या इस तरह के भी ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। ओके, क्योंकि 3 तरह के ब्रैकेट हैं। एक तो पहला वाला ये हो गया जिसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ओके, 3 तरह के ये ब्रैकेट होते हैं। ओके, 3 तरह के ब्रैकेट हैं जिनके अंदर आप ऐसे एलिमेंट्स को रख सकते हैं, तो इस बात को ज़रा ध्यान दीजिएगा। ओके, अच्छा, अब कुछ और बेसिक बातें जो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए मैट्रिक्स को क्या है कि जो है कि अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। जैसे कि इसे मैं कुछ ऐसे बोल रहा हूँ, इसे मैं बी मैट्रिक्स। ओके, कुछ इस तरीके से कैपिटल लेटर से ही यहाँ पे ये लिखा जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि यहाँ पे देखिए क्या है कि इस मैट्रिक्स में जो ये वर्टिकल लाइन आपको जो दिख रही है, कुछ ऐसे जो वर्टिकल लाइन में ऐसे ये जो एलिमेंट हैं इनको कॉलम बोला जाता है, राइट। यहाँ पर ये कॉलम C1 हो गया और ये C2। ओके, 2 कॉलम है यहाँ पे पास। अच्छा, यहाँ पर ये जो ओरिएंटल लाइन में जो ये ऐसे एलिमेंट हैं, ओके, ओरिएंटल लाइन आप ऐसे समझिए, तो इनको रो बोला जाता है, राइट। ये जो है रो है, और यहाँ पे क्या किया जाता है कि इनका आर्डर लिखा जाता है। आर्डर कैसे लिखा जाता है, तो कितने रो हैं हमारे पास, 3 रो हैं, कॉलम कितने हैं, 2। तो इसका मतलब ये 3x2 का मैट्रिक्स है। पहले हम रो को लिखते हैं, उसके बाद कॉलम को लिखते हैं, और ये हमारा आर्डर कहलाता है, राइट। ये आर्डर कहलाता है, मतलब कि 3x2 का ये मैट्रिक्स है, या आप 3x2 बोल सकते हैं। ओके, अच्छा, इसमें ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है कि कितने रो हैं, 2 रो हैं, R1 और R2, और कॉलम कितने हैं आपके पास, 3 कॉलम है। तो यहाँ पे ये 2/3 का ये मैट्रिक्स हो गया, राइट। इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो ना, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को भी बताता है। ओके, क्योंकि 3 × 2 करिएगा तो 6 आएगा, मतलब कि 6 एलिमेंट यहाँ पे है। चलिए, इसमें आप देखिए यहाँ पे क्या है कि कितने रो हैं आपके पास, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे, राइट, 6 रो है और कॉलम क्या है, एक ही है। यानी ये 6/1 का ये मैट्रिक्स है, 6/1 या 6x1। ओके, अच्छा यहाँ क्या है कि कितने रो हैं इसमें, तो केवल एक ही रो है आप देख सकते हैं, और कॉलम कितने हैं आपके पास, तो 6 कॉलम हो जाएंगे, राइट। तो ये कुछ बेसिक बातें होती है। अच्छा, कुछ और बेसिक बातें, देखिए यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स हैं ना, ये जो एलिमेंट्स हैं इनको भी बताने का एक अलग तरीका होता है, और वो तरीका क्या होता है यहाँ पे आप समझिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, देखिए यहाँ पर ये 2 क्या है कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको हम कुछ ऐसे लिखते हैं A11, राइट, A11। यहाँ पे ये पहला ये रो को बताएगा, और यहाँ पर ये जो 1 है ये कॉलम को बताएगा, राइट, ये 1 रो और यहाँ पे ये कॉलम, यानी पहला जो लिखा होगा वो रो को और दूसरा वाला कॉलम को। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है उसको A11 से लिखेंगे, और ये क्या है हमारे पास, 2 हो गया, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे ये 3 क्या है कि ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, ये जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, तो इसको हम कुछ ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट A12 ऐसे लिखेंगे। और यहाँ ये सब कोड है, ओके, ये सब कोड है, इनको बताने का एक मतलब तरीका है। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे मान लीजिए इसको अगर हमें बताना है, राइट, तो ये क्या है कि ये थर्ड रो, रो क्या है, थर्ड है, और कॉलम क्या है, सेकंड है, यानी कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम का ये, सॉरी, थर्ड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है A32, और ये क्या है आपके पास, √3 है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। मान लीजिए कि 0 को बताना है, तो ये क्या है कि ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है आपके पास, 0 है, राइट। तो कुछ इस तरीके से जो है कि यहाँ पे हम चीज़ों को लिखते हैं। ओके, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें रहीं। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं कि इन चीज़ों को आप क्लीन कर लेते हैं, राइट। अच्छा, इसमें अगर बताना होगा तो आप कैसे बताइएगा, मान लीजिए कि इस -5 को बताना है, राइट, तो यहाँ पर ये क्या है कि हमारा कॉलम है और ये रो है R1, R2, R3, R4 और ये R5 और ये R6। तो ये क्या है कि फोर्थ रो और ये फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो A41 - 5 ऐसे हम बोलेंगे। ओके, चौथा कॉलम और पहला, सॉरी, चौथा रो और पहले कॉलम का ये एलिमेंट हो गया -5। देखिए, रो को हिंदी में हम पंक्ति कहते हैं और कॉलम को हम हिंदी में स्तंभ कहते हैं, यूपी बोर्ड के भी स्टूडेंट ज़्यादा होंगे मुझे पता है। ओके, अब यहाँ पे मैट्रिक्स को जो है कि हम आव्यूह बोलते हैं, राइट, तो हिंदी में भी चीज़ों को आप समझते रहिएगा। तो हम क्या करते हैं कि अब इन सारी चीज़ों को, मैट्रिक्स की जो डिफिनेशन है वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, और ये क्या है यहाँ पे आप समझिएगा, ए सेट ऑफ mn नंबर्स रियल और कॉम्प्लेक्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर अरे हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड एन m/n मैट्रिक्स। मैंने क्या बोला कि एक mn नंबर का सेट, जो ये नंबर रियल या कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, जिन्हें अरेंज किया गया है एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में, जिसके पास m रो और n कॉलम्स हैं, उसे हम m/n का मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि ये मैट्रिक्स मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे आप ये चीज़ें समझिएगा। ओके, इस तरह का मैट्रिक्स मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जिसमें m रो और n कॉलम है। ओके, A11, A12, A13 एंड सो ऑन A1n, राइट। नाउ A21, A22, A23 एंड सो ऑन A2n, राइट, और इसे मैं डॉट डॉट करके ऐसे लिख लेता हूँ। A31, सॉरी, एक लाइन में और लिख लेता हूँ, A31, A32 एंड सो ऑन A3n एंड सो ऑन AM1, AM2 एंड सो ऑन AMn, राइट। मैंने ये जो मैट्रिक्स ले रखा है कुछ इस तरीके से A11, A12 ऐसे कुछ करके। ओके, तो ये मैट्रिक्स क्या है कि इसमें m रोज और n कॉलम है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जो है m राइट, इसमें हर पहला ये जो लिखा हुआ है ना, ये रो को बताता है और जो दूसरा है वो कॉलम को बताता है। ओके, तो ये m क्या है कि रो को यहाँ बताएगा और ये n कॉलम है हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कितने कॉलम है, m कॉलम है जो वर्टिकल लाइन है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारे पास ये रो है राइट। तो ये m रो और n कॉलम का ये मेरे पास मैट्रिक्स है। तो मतलब यहाँ पे ये ऑर्डर क्या होगा इसका, m बाई n का ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है राइट। ये चीज़ें तो आप समझ रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे इस मैट्रिक्स को जो है कि कॉम्पैक्ट फॉर्म में कुछ ऐसे लिखा जाता है, इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। इन कॉम्पैक्ट फॉर्म हम इस मैट्रिक्स को कुछ ऐसे लिखते हैं, एक मिनट, ऐसे लिखते हैं ए इक्वल ए आई जे एम बाई एन। यहाँ पे क्या है, वेयर आई की जो वैल्यू है वो 1 से चलेगी और कहाँ तक जाएगी, एम तक, और जे की जो वैल्यू है वो 1 से चलेगी और ये एन तक जाएगी। क्योंकि जब आप आई की वैल्यू मान लीजिए 1 ले लिए तो जे की वैल्यू आप क्या लेंगे 1, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बताएगा। फिर आई की वैल्यू 1, फिर जे की वैल्यू 2 ले लेंगे राइट। मतलब कि आई और जे की वैल्यू इसमें से अगर आप रखते जाएंगे यहाँ पे, तो ये मैट्रिक्स जो है कि एम बाई एन का हमारे पास ये मिल जाएगा। ओके, यानी कि इसी को जो है कि मैंने कुछ इस तरीके से लिख रखा है कॉम्पैक्ट फॉर्म में, संक्षिप्त रूप में राइट। अच्छा, कुछ और बेसिक बातें जो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें राइट, जो मैं यहाँ पे इसको जो इस तरीके से मैंने किया हुआ है, यहाँ पे क्या है कि 1 1 2 2 ऐसे 3 3 ये सब क्या होंगे यहाँ पे बराबर होंगे। तो इसको जो है कहा जाता है प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ राइट। यानी प्रिंसिपल यानी ये वो एलिमेंट है यहाँ पे, इसके अंदर ये वो एलिमेंट है जहाँ पे आई और जे आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। A11 A22 फिर यहाँ पे A33 होगा, A44 होगा, A55 एंड सो ऑन। तो ये सब क्या कहलाएंगे, ये प्रिंसिपल डायगोनल के ये सभी एलिमेंट होंगे राइट। अच्छा, इसके ऊपर अगर आप देखें, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर अगर आप देखें राइट, ये बहुत बेसिक मैं आपको बता दे रहा हूँ राइट। यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल में जो ये एलिमेंट है, तो आई और जे में रिलेशन क्या आ रहा है कि ये दोनों सेम सेम आ रहा है राइट। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा अलग है ओके, बट सब सेम सेम होगा। प्रिंसिपल डायगोनल के अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पर आई और जे में क्या रिलेशन है कि आई क्या आ रहा है, छोटा हो रहा है, जे बड़ा, आई छोटा जे बड़ा राइट। तो प्रिंसिपल डायगोनल के जो ऊपर के एलिमेंट हैं, ये वो एलिमेंट हैं जहाँ पे आई क्या है, लेस देन जे है राइट। जहाँ पे आई, देखिए इससे क्वेश्चन आ सकता है, इससे रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है राइट। अभी मैं क्वेश्चन भी ले रहा हूँ, तब आपको समझ में आएगा। अच्छा, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे अगर आप ध्यान से देखें, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे अगर आप ध्यान से देखें, तो इसमें वो एलिमेंट है जहाँ पे क्या है कि आई वाला बड़ा है, जे वाला छोटा है। आई क्या है, ग्रेटर देन है, जे वाला छोटा है। जैसे मान लीजिए कि मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, आप कहोगे सर कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ले रहा हूँ। हमने एक मैट्रिक्स लिया जो कुछ इस तरीके से है, ए आई जे 3 बाई 3 का मैंने एक मैट्रिक्स लिया हुआ है, और यहाँ पे क्या है कि ए आई जे जो है वो कुछ इस तरीके से है। ओके, ये कुछ इस तरीके से है कि आई इक्वल जे, तो यहाँ पे आई प्लस जे राइट, आई लेस देन जे तो आई माइनस जे, आई ग्रेटर देन जे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। आप ऐसा ले लीजिए। ओके, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन ले रखा है, आई और जे के डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पर जो है कि ये कुछ अलग अलग तरीके से इनके एलिमेंट बनेंगे। ओके, तो मुझे क्या करना है कि कुछ इस तरह का ये मैट्रिक्स प्रिपेयर करना है। ओके, तो देखिए कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। हमें 3 बाई 3 का मैट्रिक्स चाहिए, आई की वैल्यू 1 से 3 तक जाएगी, जे की वैल्यू 1 से 3 तक जाएगी। तो पहले हम ये तैयार कर लेते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास, A11 होगा, A12 होगा, A13 होगा, A21 होगा, A22 होगा, A33 होगा, A31, A32 और ये A, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, A22 और ये A23 राइट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाँ ये ठीक है, और यहाँ पर यह आ जाएगा A 3 3, राइट। तो ये 3 बाई 3 का मेरे पास मैट्रिक्स हो गया, राइट। तो इसमें क्या है कि A11 की वैल्यू हमें चाहिए। तो A11 अगर आप यहाँ रखते हैं तो जब ये दोनों बराबर आ रहा है, मतलब ये दोनों जब बराबर आ रहा है तो दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, जुट जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, A11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 और 1 मिलके 2 आ जाएगा, राइट। अब देखिए A12 अगर आप रख रहे हैं तो A12 की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो 1 और 2 के लिए कंडीशन है कि एक्चुअली 1 क्या होना चाहिए, लेस देन जे होना चाहिए। देखिए 1 छोटा है जे वाला, मतलब कि आप देख सकते हैं ना इन दोनों में ये रिलेशन है, तो इसके लिए ये यहाँ पे वैल्यू आएगी, यानी A12 का मतलब कि 1 में से 2 गया तो क्या आएगा, -1, राइट। अब जब A13, तो A13 में आप देख सकते हैं कि इसके लिए यही कंडीशन चलेगी, तो 1 और 3, A13 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 और 3 -2 आ जाएगी, राइट। फिर अगर आप यहाँ पे आएँ A21, तो A21 2 बड़ा है 1 छोटा है, तो A21 में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। यानी सीधा सीधा हमारा कहने का मतलब ये था कि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर अगर आप जाएंगे तो इसके लिए ये कंडीशन है, अगर आप उसके नीचे आएंगे तो इसके लिए ये कंडीशन है। तो नीचे वाले में सारे क्या होंगे, 0 होंगे, राइट। और ऊपर वाले में आप देख सकते हैं प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर ग्रेटर देन है, तो देखिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ A22 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, A23 की वैल्यू घट जाएगा तो -1, फिर यहाँ पे A33 की 6। आप तो समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट। मैं कहना क्या चाह रहा था यहाँ पे ये आपको क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ होगा तो बहुत छोटी सी बात है, क्लियर तो हो गया होगा, अगर नहीं हुआ होगा तो आगे अभी बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, ओके। आप जैसे ये सभी जब बराबर थे A11 A22 A33, तो बराबर वाले पे इसकी वैल्यू कुछ ऐसे मिलेगी, 1 1 रखेंगे तो 2 बनेगा, 2 2 रखेंगे तो 4 बनेगा, 3 3 रखेंगे तो 6 बनेगा, कुछ ऐसे। उसके जब ऊपर आएंगे प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर, इन सब में कंडीशन कुछ ये वाला चलेगा, तो ये वाला चलेगा तो सीधे सीधे 1 में से 2 गया -1, यहाँ पे 1 में से 3 गया -2, फिर 2 में से 3 गया -1, और उसके नीचे अगर आप आते हैं तो सब 0। बकवास क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ों को लेकर डिस्कस करना था, राइट, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये बता दिया हुआ है आपको। चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर डिस्कस करते हैं, मैट्रिक्स पर, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, राइट। तो ज़रा ध्यान से समझिएगा किस किस टाइप के मैट्रिक्स होते हैं। अ मैट्रिक्स A = Aij m × n इज कॉल्ड। पहला, मैं कुछ इस तरीके से चीज़ों को बता रहा हूँ शॉर्टकट में, समझिएगा। इज कॉल्ड और रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कब कहलाएगा, इफ m = 1। m रो को बताता है और ये एक ही है, m = 1 मीन्स कि एक ही रो है, तो उसे हम कहेंगे क्या, रो मैट्रिक्स, राइट। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे आप ले सकते हैं, ओके। मैंने एक मैट्रिक्स लिया जिसमें केवल एक ही रो है, जैसे कि 3 0 5, राइट। यहाँ पे रो एक ही है, और अगर कॉलम की बात करें तो यहाँ पे कॉलम कितना है, 3। यहाँ पे कॉलम से कोई मतलब नहीं है, राइट, कितना हो भी हो, बस क्या होना चाहिए कि एक ही रो होना चाहिए। दूसरा, इसके बाद हमारे पास आता है और कॉलम मैट्रिक्स कब कहलाएगा, इफ़ n = 1। देखिए ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बेसिक यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। n = 1 मीन्स कि एक ही कॉलम है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, राइट। जैसे इसके लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकता हूँ, 1 2 3, राइट। कॉलम कितने हैं, एक ही है, रो कितना है, 3 है, सो यहाँ पे ओके, n की वैल्यू केवल 1 है, तो यहाँ पे m से कोई मतलब नहीं है, राइट। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, राइट। ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ m इज नॉट इक्वल 1, राइट। ज़्यादा रेड वाले पे चमक नहीं आ रहा है ना, हाँ ठीक है। इफ़ m इज नॉट इक्वल 1 मतलब कि m और n आपस में बराबर नहीं है, राइट। तो उसे हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो देखिए जब ऐसा नहीं है तो दो बातें पॉसिबल हो सकती है यहाँ से, क्या क्या? या तो m ग्रेटर देन n हो सकता है या m लेस देन n होगा। तो इन दोनों के लिए हम अलग अलग तरह से मैट्रिक्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि केस 1 हम बात करते हैं m ग्रेटर देन n, जब m क्या हो, बड़ा हो, राइट। m क्या है, रो है, और जब ये रो क्या होगा, बड़ा होगा, राइट। तो जो मैट्रिक्स होगा वो वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाएगा, वर्टिकल मैट्रिक्स होगा वो, राइट। जैसे रो बड़ा मतलब कि रो ज़्यादा है, कॉलम क्या है, कम है। जैसे 3 2 4 1 3 0, राइट। यहाँ पे रो क्या है, 1 2 3 रो है हमारे पास, कॉलम क्या है, 2 है। ज़्यादा नीचे तो नहीं हो रहा है ना, ज़्यादा नीचे, हाँ ठीक है, दिखाई तो दे रहा है, राइट। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं क्या, इसमें केस टू क्या है कि इफ़, यहाँ पे क्या था कि इफ़ m ग्रेटर देन n था, यहाँ पे क्या है, इफ़ m लेस देन n। जब ऐसा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, राइट। यानी कि जो कॉलम में वो ज़्यादा हो गया तो जो शेप बनेगा वो कैसा बनेगा, इस देखिए शेप पर ये चीज़ें डिपेंड है। शेप यहाँ पे कुछ ऐसा बन रहा, राइट, तो उसे वर्टिकल मैट्रिक्स बोला गया। और यहाँ पे शेप जो है ना कुछ ऐसा बनेगा, जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ 3 0 -1 2 5 1, राइट। तो यहाँ पे रो कितने हैं, 2, कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है यहाँ पर, राइट। 3 कॉलम है यहाँ पर। थोड़ा सा अंधेरा आ गया होगा बिकॉज ये मौसम चेंज होता रह रहा है ना, तो इसीलिए, लेकिन दिख रहा होगा, ऐसी बात नहीं है, राइट। तो इस तरह हम कहेंगे इसे हम ओरिएंटल मैट्रिक्स, राइट। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं क्या, नल मैट्रिक्स के बारे में, राइट। नल मैट्रिक्स क्या होगा, ये तो हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा हम बात करेंगे, चौथा अ नल मैट्रिक्स, अ नल मैट्रिक्स, राइट। ये क्या होगा कि इफ़ aij इक्वल 0 फॉर एवरी aij इक्वल 0, 1 मिनट, फॉर एवरी आई एंड जे, फॉर एवरी आई जे मतलब आई और जे की कोई भी वैल्यू हो। आपको पता है प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर आई लेस देन जे होता है, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे आई ग्रेटर देन जे होता है, प्रिंसिपल डायगोनल में आई इक्वल जे होता है। तो यहाँ पे aij सब 0 होना चाहिए, चाहे आई इक्वल जो जे हो, चाहे आई लेस देन जे हो या आई ग्रेटर देन जे हो, सब क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। फॉर ऑल ये लगा हुआ है, इसका मतलब सब। अच्छा, नल मैट्रिक्स को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या होता है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब ये नल मैट्रिक्स देखिए, नल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसमें आप जो है कि कंफ्यूज मत होइएगा, राइट। ये क्या है कि 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है, तो इसे केवल हम 3 से ही यहाँ पे लिख सकते हैं, या 3 क्रॉस 3 भी बोल सकते हैं, राइट। चलिए या मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कि हमने 2 बाई 1 का ये एक मैट्रिक्स लिया, 2 रो है इसमें, राइट, और कॉलम क्या है, एक ही है, राइट। सॉरी 2 रो है ना, गलत लिख दिया, राइट। जैसे कि ये मैंने मैट्रिक्स ले लिया, राइट, ये क्या है कि ये भी एक नल मैट्रिक्स कहलाएगा, राइट। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की, राइट। छठवां और स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स। और जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे तो इसके अंदर, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर भी कई टाइप के मैट्रिक्स हमें पढ़ने होंगे। और स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, इफ़ m इक्वल n, जब m की वैल्यू यहाँ पे n होगी, मतलब जब ये दोनों बराबर होगा तो हम उसे कहेंगे क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। इट मीन्स दैट कि अगर ऐसा मैट्रिक्स है, राइट, तो उसे हम क्या कहेंगे, n क्रॉस n आप कर लीजिए या m क्रॉस n कर लीजिए, तो उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए 2 3 7 8 9 -1 2 -3 √3 3/3 का ये मैट्रिक्स है हमारे पास, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। थोड़ा मैं साइन बढ़ा दूँ, थोड़ा हो सकता है कि आपको ये दिख रहा हो, हालांकि थोड़ा सा चमक मैं बढ़ा दूँ, अंधेरा दिख रहा होगा ना। 1 मिनट, हाँ ठीक है, चलिए राइट। मौसम चेंज हो रहा है ना, उस हिसाब से कैमरे का जो है कि ब्राइटनेस बढ़ाना पड़ता है। चलिए, इसके बाद ये तो हो गया हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। तो अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे कि ये क्या है कि रो और कॉलम बराबर जब होंगे तो उन्हें हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। तो यहाँ पर ये क्या है कि 3/3 का मैट्रिक्स है, तो ये मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स में देखिए क्या है कि इसको ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसमें खास बात यह है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, इससे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके, तो ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए अब देखिए, अब हम इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स की। ओके, क्योंकि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है वो भी कई टाइप का होता है, ये भी आपको जानना है, राइट। स्टार बना के मैं लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल AI J n × n इच कॉल्ड पहला, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इच कॉल्ड और पहला ए डायगोनल मैट्रिक्स। मैं मार्कर चेंज कर दूँ, रेड से आपको दिखाई दे रहा है ना, 1 मिनट। ए डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल मैट्रिक्स कब होगा, इफ़ AI J = 0 वेयर I ≠ J, राइट। वो सारे AI J 0 होना चाहिए, मतलब जहाँ पे I और J आपस में बराबर नहीं है। तो आपको पता होगा कि अगर आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर, मैंने आपको बताया था कि I J होता है और उसके नीचे I J होता है, तो ऊपर और नीचे दोनों बराबर नहीं है, बीच में ही बराबर है, राइट। तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर और नीचे सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0, तो उसे हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, राइट। जैसे मैं यहाँ पर ये मैट्रिक्स ले रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे 1 0 0 सॉरी कुछ ऐसे, यहाँ पे मैं 5 कर लेता हूँ, राइट। 0 7 0 0 0 5 या कुछ भी आप ले सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, राइट। तो ये मैंने एक डायगोनल मैट्रिक्स लिया हुआ है, राइट, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ऊपर के सभी ये डायगोनल है हमारा, और उसके ऊपर नीचे सभी क्या हो गए, 0 एलिमेंट हो गए, राइट। मैं एक और मैट्रिक्स यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है कि 0 0 0। अच्छा, यहाँ पे केवल I और J जहाँ बराबर नहीं है वहाँ 0 होने के लिए कहा है। इन डायगोनल के जो एलिमेंट हैं, डायगोनल में जो एलिमेंट है उसके बारे में कोई कुछ कहा नहीं जा रहा है, तो वो 0 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, राइट। सो 0 5 0 0 0, यहाँ पे 0 हम ऐसा भी ले सकते हैं, राइट। तो ये भी जो मैट्रिक्स है ना, वो भी क्या है कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है, राइट। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स को कुछ ऐसे लिखा जाता है, इसको हम कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। इस मैट्रिक्स को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर ज़रा ध्यान दीजिएगा। ए डायगोनल 5, केवल डायगोनल के एलिमेंट लेकर के हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। केवल हम डायगोनल के एलिमेंट को ऐसे लिख सकते हैं। इस बी वाले मैट्रिक्स को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 0 5 0, राइट। केवल डायगोनल के ही यहाँ एलिमेंट लिखे जाएंगे ऐसे। तो आप डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, राइट, बात एक ही हुआ। ओके, अच्छा, जब यहाँ तक हम पहुँच गए हैं तो इससे कुछ प्रॉपर्टीज़ पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं, राइट। जरा ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ पे जरा ध्यान समझिएगा। मान लीजिए कि हमने 2 डायगोनल मैट्रिक्स को जोड़ रहे हैं, राइट। पहली प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 डायगोनल मैट्रिक्स है, DIAG डायगोनल X Y Z। इसका मतलब आप समझ गए, इस मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि कुछ इस तरीके का X 0 0 0 Y 0 0 0 Z, राइट, इस मैट्रिक्स का ऐसा मतलब हुआ, ये डायगोनल मैट्रिक्स है इसीलिए हमने इसको कुछ ऐसे लिखा हुआ है। तो अगर हम दो डायगोनल मैट्रिक्स को मान लीजिए जोड़ते हैं, राइट, ये मैट्रिक्स P, Q और R इसमें एलिमेंट है, तो एक्चुअली ये हमारे पास डायरेक्ट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओके, क्या x प्लस पी, वाई प्लस क्यू, जेड प्लस आर, राइट, ऐसा लिख सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, डायगोनल एक्स वाई जेड, अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, राइट, कुछ ऐसे, राइट, सॉरी, पी क्यू आर, पी क्यू आर, तो एक्चुअली हम यहाँ पे इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, डायगोनल मल्टीप्लाई करके एक्स पी, राइट, एक्स, सॉरी, वाई क्यू, जेड आर, हम ऐसा जो है कि ये चीज़ों को लिख सकते हैं, राइट। चलिए इसके बाद अच्छा, नीचे दिखाई दे रहा है, कहीं ज़्यादा नीचे तो नहीं हो गया ना? हाँ ठीक है, नीचे दिखाई दे रहा है। एक प्रॉपर्टी मैं जो है कि नीचे और लिख लेता हूँ, प्रॉपर्टी 3, राइट। मान लीजिए अगर इस डायगोनल का इन्वर्स अगर आप निकाल लें, राइट, मैं आपको बताऊंगा इन्वर्स मैट्रिक्स आप कैसे फाइंड करिएगा, राइट, इसका अगर आप इन्वर्स निकालते हैं, ओके, तो एक्चुअली ये भी क्या होगा कि ये कुछ ऐसा होगा, डायगोनल 1/x, 1/y, 1/z, राइट। डायगोनल मैट्रिक्स का अगर आप इन्वर्स फाइंड करते हैं, इन्वर्स मैट्रिक्स, तो वो कुछ ऐसा होता है, राइट। चलिए कुछ और बातें, ट्रांसपोज की बात कर लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एक्स वाई जेड का अगर आप ट्रांसपोज करते हैं तो भी इसमें जो है कि कोई चेंज नहीं आता है, ये ऐसा ही रहता है, ओके, डायगोनल एक्स वाई जेड, राइट। तो ये हो गई 4th प्रॉपर्टी। चलिए इसके बाद 5th प्रॉपर्टी पर आते हैं। अगर मान लीजिए कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, डायगोनल ऑफ एक्स वाई जेड का अगर आप पावर जो है कि मान लीजिए n अगर आप करते हैं, ओके, n अगर आप करते हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं ना, ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, मतलब ये कि हम रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर रहे हैं, ओके, इतनी बातें तो आपको पता होगा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसी मैट्रिक्स में बात करता हूँ, ऊपर वाला, ओके, एक्स 0 0 वाई, सॉरी, 0 वाई 0 0 0 जी, मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है, राइट। तो इसका अगर आप ट्रांसपोज निकालते हैं, ट्रांसपोज का मतलब कि आपने रो को कॉलम में चेंज कर दिया, राइट, कुछ ऐसे, तो ये क्या होगा, इसको आपने ऐसे लिखा, तो एक्स 0 0, इसको भी आपने ऐसे लिखा, 0 वाई 0 0 0 जेड, राइट, तो दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसका ट्रांसपोज जो होगा वो सेम टू सेम इसी के इक्वल होगा, राइट, समझ गए होंगे आप तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अच्छा, फिर अगर डायगोनल मैट्रिक्स है, अगर आप उसका स्क्वायर करते हैं, राइट, मान लीजिए कि इसका आपने स्क्वायर किया, स्क्वायर करने का मतलब इसको 2 बार आपने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज क्या आएगा, ये सीधा सीधा आ जाएगा आपका डायगोनल एक्स पे पावर यन आ जाएगा, वाई पे पावर यन आ जाएगा, जेड पे पावर यन आ जाएगा। अच्छा, इधर कट नहीं रहा ना, ये इधर कट रहा था साइड में, तो 1 मिनट, हाँ कट तो नहीं रहा, राइट। तो इधर ये क्या आ जाएगा, डायरेक्ट स्क्वायर, मतलब कि इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 5 पे स्क्वायर आ जाएगा, 25, राइट। इसका अगर आप मान लीजिए स्क्वायर करते हैं तो डायरेक्ट हम 25, ये 35, 1 ऐसे कर लेंगे हम, राइट। चलिए अगर हम डिटर्मिनेंट की बात करते हैं, मान लीजिए डिटर्मिनेंट अगर आप निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल अगर आप निकालते हैं एक्स वाई जेड, तो एक्चुअली ये कुछ और नहीं बल्कि आता है डायरेक्ट एक्स वाई जेड का, ये आ जाता है, ओके। इंटर में कुछ तो आप पढ़े होंगे, अगर आपको ट्रांसपोज का मतलब नहीं पता और ये सब मल्टीप्लाई वगैरह कैसे किया जाता है, इन्वर्स कैसे निकाला जाता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो 2nd या 3rd वीडियो जो आएगी हमारी, उसमें हम जो है कि इन्हीं सभी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, ओके, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, स्क्यू मैट्रिक्स, राइट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इन्हीं सभी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो ये जब हमने डायगोनल मैट्रिक्स पे पहुंचा तो इतनी बातों को मैंने यहाँ पे बता दिया हुआ है। तो फिलहाल मैं इनको आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद चलिए हम बात करते हैं दूसरे टाइप की मैट्रिक्स की, स्केलर मैट्रिक्स पे हम बात करते हैं। ओके, स्केलर मैट्रिक्स, राइट। दूसरा मैट्रिक्स, राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं है बोर्ड पे। ओके चलिए, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर और स्केलर मैट्रिक्स। मैं सारा क्लीन कर दूँ, मैं सारा क्लीन कर तब आप बताता हूँ आपको। ओके, आप नोट कर लीजिएगा सारी चीज़ों को। थोड़ा सा मैं इंक भी फिल कर लूँ, ओके, क्योंकि इंक भी जो है वो ख़त्म हो चुका है। ओके, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ तब तक कि वीडियो को आप अपने फ्रेंड के पास ज़रूर शेयर करें, क्योंकि वीडियो आपको कंटिन्यूअस मिलेगी। अगर आप कंटिन्यूअस वीडियो चाहते हैं तो फ़िलहाल आपको वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी करिए, सपोर्ट हमें करिए। ओके, हमें सपोर्ट अगर आप करते हैं तो हम भी आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। जो भी आपको क्वेश्चंस वगैरह होंगे, जो आप पूछेंगे, उसका भी मैं रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करता हूँ। वैसे मैं रिप्लाई देता हूँ। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि व्हाट्सएप पर कुछ बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, सीधा सीधा जो है कि एक ही जो है कि पूरा चैप्टर ही भेज देंगे, सर पूरा चैप्टर सॉल्व करते हैं, सर जी थोड़ा इतना बैठे हैं कि आपके लिए, हाँ आप भेजो आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो यार ऐसे कैसे पॉसिबल है? ये रूल में बता दिया, रूल के बेस पे आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। ओके, थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर डालिए। जब तक आप मतलब दिमाग नहीं लगाएंगे क्वेश्चन को, आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो दिमाग लगाना है नहीं, चैप्टर आया, हाँ सर व्हाट्सएप पे आपके क्वेश्चन भेज दिए हैं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। ऐसे कहाँ पॉसिबल है? थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस करो ना भाई, तभी तो हो पाएगा ये सारी चीज़ें। ओके चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स, दूसरा मैट्रिक्स। ओके, ए स्केलर मैट्रिक्स। ओके, ये स्केलर मैट्रिक्स कब होगा ज़रा ध्यान दीजिएगा। इफ़ ए आई जे इक्वल 0 फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे, राइट। आई और जे जहाँ बराबर नहीं है वो सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। और क्या होना चाहिए कि एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आर इक्वल। मतलब क्या हुआ कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल 0 फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। सभी डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो उसे हम कहते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे लूँ तो ऐसे मैं ले सकता हूँ 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ कि जो डायगोनल के एलिमेंट है ना वो 1 भी नहीं होने चाहिए। इस बात को आप ज़रा ध्यान रखिएगा, 1 नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख लीजिएगा आगे, बट नॉट इक्वल टू 1, राइट। चलिए, तो ये मेरे पास क्या हो गया कि ये एक स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा आप एक और ले सकते हैं यहाँ पे, ये भी आप ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2 0 0 2, ये भी क्या है हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल आप ले, केवल आप 2 ही ले सकते हैं। ये भी, इसे भी हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, राइट। चलिए, अब इसके बाद हम तीसरा बात कर लेते हैं। इसके अंदर तीसरा हमारा आता है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। सॉरी, तीसरा में आप ऐसे लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ये जो मैंने लिख रखा है इज कॉल्ड और यूनिट मैट्रिक्स आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल 0 फॉर ऑल ए आई जे इक्वल 0 ए आई जे इक्वल 1 मिनट इक्वल 1 फॉर आई इक्वल जे एंड आप ऐसे लिखिए, मैं कुछ गलत लिखा हूँ, ए आई जे इक्वल 0 फॉर आई इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। वो सारे ए आई जे की वैल्यू 1 होनी चाहिए। जहाँ पे आई और जे बराबर होते हैं तो डायगोनल में ही बराबर होते हैं। ओके, और जहाँ पे नहीं है बराबर वो क्या होना चाहिए, वन आना चाहिए। जैसे इस मैट्रिक्स, अच्छा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। सो अगर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हो गया 1 0 0 1, ये 2 क्रॉस 2 का है तो आई 2 से लिखेंगे इस चीज़ को, राइट। इसी तरीके से आई 3 से लिखेंगे, अगर 3 क्रॉस 3 का होगा तो 1 0 0 1 0, राइट, 0 0 1। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स आ गया। अच्छा इसकी भी मैं प्रॉपर्टी पर डिस्कस कर लेता हूँ। ओके, जब ये इतनी बातें मुझे याद आ गया है तो इसकी भी मैं प्रॉपर्टी पर डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो इसकी प्रॉपर्टी मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। ओके, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, राइट। इसीलिए मैंने ऊपर पहले ही लिख दिया हुआ है ए स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सारी चीज़ें स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर डिस्कस हो रही हैं। ओके, क्लीन आ रहा है ना बोर्ड, हाँ ठीक है, राइट। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, राइट। जैसे यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर है क्या कि अगर कोई मैट्रिक्स आपने लिया, अगर आपने कोई मैट्रिक्स आपने लिया और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो चाहे आप राइट से करो या लेफ़्ट से करो, हर बार में ए ही आपको मिलेगा, राइट। बिकॉज आई क्या है कि आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन है विथ रिस्पेक्ट टू आइडेंटिटी एलिमेंट है, सॉरी आई यहाँ पे क्या है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी एलिमेंट आपका है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ए इंटू आई करेंगे, आई इंटू ए करेंगे, सो कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। अच्छा, अगर आप आई पे पावर आई का स्क्वायर करते तब पर भी आपको आई मिलेगा, आई पे 3 करेंगे तब पर भी आपको आई मिलेगा, तो आई पे पावर एन करेंगे तो भी आपको आई ही मिलेगा, राइट। आई इंटू आई इंटू आई इंटू आई टू, मतलब आई का एन बार आप मल्टीप्लाई करें। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सो मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंज नहीं आएगा, आई के ही इक्वल आएगा। अच्छा, इन्वर्स भी इसका वही आता है, आई इन्वर्स भी आपको आई मिलेगा, लेकिन हाँ डिटर्मिनेंट अगर आप इसका निकालते हैं तो ये आपको 1 मिलेगा, राइट। तो ये आप यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर्टी ये छोटा सा इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्या, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पर। इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ, राइट। चौथा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो इसमें 2 तरह के मैट्रिक्स पर मैं बात करूँगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट। तीसरा चौथा था ना ए ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब होगा, इफ़ ए आई जे इक्वल क्या होने चाहिए 0, वेयर आई ग्रेटर देन जे, राइट। मतलब क्या होना चाहिए कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मीन्स कि अपर वाले भाग में देन डायगोनल के ऊपर एलिमेंट होने चाहिए, नीचे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए 0। आई ग्रेटर देन 0, आई ग्रेटर देन जे कब होता है, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे होता है, वहाँ पे आई ग्रेटर देन जे होता है, राइट। तो वहाँ के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए 0 होने चाहिए। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम यू से डिनोट करते हैं, तो जैसे यहाँ पे हमने ले लिया 3 0 0 5 7 0 8 9 2, राइट। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मीन्स कि डायगोनल के ऊपर एलिमेंट होने चाहिए, राइट। ये होता है हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट। इसी तरीके से लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आता है हमारा, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये क्या होता है, इफ़ ए आई जे सारे वो एलिमेंट 0 होने चाहिए जहाँ पे आई लेस देन जे है, अब डायगोनल के ऊपर होता है, राइट। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को एल से डिनोट किया जाता है, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ओके नाउ 5 0 0 2 7 0 -1 -8 आप ले लीजिए 9 कर लीजिए, राइट। तो ये मेरे पास क्या है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। लोअर मीन्स कि लोअर में एलिमेंट होना चाहिए डायगोनल के नीचे, और अपर मीन्स डायगोनल के ऊपर। तो ये कुछ बेसिक था डायगोनल सॉरी मैट्रिक्स को लेकर के। और भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें अब मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। फ़िलहाल ये जो वीडियो है मुझे लगता है कि 45 मिनट से ऊपर का हो चुका है। ओके, तो अब बाकी की जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।